हमें मिलता पेट्रोल डीजल दरबार करना केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी आता आठवण करून द्यावा लागेल क्या हुआ तेरा वादा ज्या वेळा 2012-13 मध्ये नरेंद्र मोदी साहेब देशाचे पंतप्रधान म्हणून समोर आले त्यावेळा जागतिक क्रूड ऑइलचा दर हा 136-140 रुपये प्रति बॅलर होता त्यावेळा डिझेल 52 रुपये मिळायचे त्यावेळा पेट्रोल 67-68 रुपये मिळायचे त्यावेळा मात्र प्रचंड महागाई झाली असं भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याला वाटत होत त्यावेळा गॅस 410 रुपये झाला त्यावेळा स्मृतीताई इराणी सास भिकारी बहू ती त्या रस्त्यावर येऊन चुलीवर भाकरी थापायचं नाटक करत होत्या नितीन गडकरी साहेब राजनाथ सिंग साहेब 67 रुपये पेट्रोल झाल्यावर जरा जुना आठवा रस्त्यानं मोटरसायकल ढकलत चालायचे हातगाड्यावर मोटरसायकल घेऊन जायचे आज ते लोक केंद्रात सत्तेमध्ये बसतात आज डिझेलनं सतत पार केलं 102 रुपये डिझेल झालं आजचा पेट्रोलचा नवी मुंबईचा दर हा 111 रुपये 17 पैसे झाला आजचा नवी मुंबईचा दर आहे जो केंद्र की सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है आम आदमी का जीना मुश्किल ये केंद्र सरकार ने कर रखा है आज का पेट्रोल का जो दर है वो 111 रुपये 17 पैसे नवी मुंबई में है डीजल का दर 102 रुपये है गैस का दर 900 से आगे चला गया है जो सरकार 2014 से पहले बहुत हो गई महंगाई की मार कह रही थी जब पेट्रोल 52 रुपये था डीजल 52 रुपये था पेट्रोल 67 रुपये था और गैस 410 रुपये था जब इन लोगों को बहुत महंगाई लग रही थी मगर आज जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत प्राइस ये 76 रुपये 77 पैसे है और 2014 के पहले वो 136 रुपये थी जब पेट्रोल 67 रुपये का महंगा लगने वाली डीजल 52 रुपये का महंगा लगने वाली भारतीय जनता पार्टी आज जब सत्ता में है तब इन्हें 111 रुपये का पेट्रोल सस्ता लग रहा है इन्हें 102 रुपये का डीजल सस्ता लग रहा है
ये सेंचुरी पर सेंचुरी मारे जा रहे हैं, खुद को ये केंद्र की सरकार सचिन तेंदुलकर समझ रही है क्या, जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है? तो हम सब युवा इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल गैस की जो आपने भाव बढ़ाए हैं वो आप कम कीजिए, नहीं तो राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस को आपके नेताओं के घर के सामने क्या हुआ तेरा वादा, ये 2012-13 की आपकी जो भाषण थी, जो स्पीच थी, 30 रुपये डीजल और 35 रुपये पेट्रोल जो आपके प्रचारक योगा वाले बाबा कह रहे थे, तो हमें अगला आंदोलन क्या हुआ तेरा वादा ये आपके खासदारों के घर के सामने, आपके नेताओं के घर के सामने करना पड़ेगा और आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपने क्या वादा इस देश के जनता से किया था और आज आप वो वादे से मुकर गए हो। आज आप आम आदमी के लिए आपको आम जनता के जेब पर डकैती करने की ज़रूरत है, इसका मतलब आप नाकामयाब हो। आप अगर खुद के स्वर केंद्र सरकार तैयार नहीं कर सकती, आप चाय बेचते थे इस अब तक ठीक था, मगर आज आप देश बेच रहे हो, आज आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, आज आप अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच रहे हो और आज पेट्रोल डीजल का दर आपने इतना बड़ा रखा है कि आम आदमी को भी आप उसकी गाड़ी उसका गैस बेचने पर मजबूर कर रहे हो। ऐसा है कि लोग आम के झाड़ को ही पत्थर मारते हैं, कोई बबूल के झाड़ पर तो कोई पथराव नहीं करता। शरद पवार साहब का काम बड़ा है और शरद पवार साहब पर टीका करने के बाद ही कुछ लोगों को प्रसिद्धि मिलती है। अगर आपके चैनल पर वो शरद पवार साहब के बारे में नहीं बोलेंगे तो उनका बोलना व्यर्थ हो जाएगा। 2 घंटे का स्पीच किया तो उसकी कहीं न्यूज़ नहीं लगती है, मगर 2 सेकंड शरद पवार साहब के बारे में बोला बोरा तो उसकी न्यूज़ होती है। इसलिए कुछ लोगों को अपने न्यूज़ लगना और हमको खुद को प्रसिद्धि मिलना, इसलिए वो पवार साहब के बारे में बोलते हैं। ऐसे लोगों को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपण गेल्या काही काळात बघितलं असतं तर सिलेंडरचे भाव हे 410 पासून 920 रुपयापर्यंत झालेले आहेत, यामुळे सामान्य जनता जी आहे त्यांचं जीवन कुठेतरी विस्कळीत झालेलं आहे। त्यासाठी आम्ही आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून जे आंदोलन ठेवण्यात आलं होतं त्याच्यात आम्ही महिलांनी पण सहभाग घेतलेला आहे, कारण महागाई सातत्याने वाढत चाललेली आहे, त्याच्यासाठी आम्हाला कुठेतरी आक्रमक व्हायलाच लागणार आणि केंद्र सरकारचे डोळे हे उघडत नाहीत तोपर्यंत आम्ही हे असे आंदोलनं करतच राहू।